ऑल रियल नंबर्स आर जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल. ऑल रियल नंबर्स आर जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है जी. तो दो मेजर डिफरेंस क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में. ऑल्दो जीरो पॉलिनोमियल वी कैन से इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है, लेकिन एक अलग तरह का कांस्टेंट है. तो उससे क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया, जो डिग्री है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो जीरो होती है और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है. जीरोज की बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है, जबकि जीरो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट जीरोज हैं. जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इसकी जीरोज बन जाएंगे. ये बात सबको समझ में आती है. यस चलिए फिर अपनी असाइनमेंट निकालो. लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एमसीक्यू. फटाफट कर लो जी, आज डिस्कनेक्शन ही काफी हो रही हैं, टाइम कम ही बचा है हमारे पास. जल्दी जल्दी फर्स्ट एमसीक्यू पढ़िए और बताइए मुझे क्या आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर पॉलिनोमियल. सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है वो दिमाग में लाएंगे. लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन है. डिग्री वन होने का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है. फर्स्ट ऑप्शन बताओ जी, 1 + x इज इट अ लीनियर पॉलिनोमियल. Yes. y² + 2x इज इट अ लीनियर पॉलिनोमियल. बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है बेटा. जब आप डिग्री की बात करते हो तो आपको वेरिएबल की पावर चेक करनी है. कांस्टेंट की पावर में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां पर जो पावर 2 आ रही है वो पाई की आ रही है, और पाई क्या है, कांस्टेंट है. पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, दिस इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट की पावर जो मर्जी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. वेरिएबल की पावर तो 1 ही है, इसका मतलब ये भी कैसा है, लीनियर. ये बात समझ में आई है बच्चों. आगे चलिए जी, थर्ड है √2 + a² x. यहां पर a विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट. यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि a को भी वेरिएबल लिया जा सकता है. बट इफ आई टेक x एज अ कॉन्स्टेंट, x एज अ वेरिएबल, सो दिस ऑल्सो इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x. हम क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर लीनियर पॉलिनोमियल्स इन एक्स. अगर मैं वेरिएबल को एक्स मान के चल रही हूं तो ये मेरा लीनियर बन जाएगा, लेकिन अगर मैं ए में लेके चलूं तो फिर लीनियर नहीं होगा क्योंकि ए की पावर 2 हो गई है. -3x² नो नो, नो दिस इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि एक्स की पावर 2 हो गई. तो लीनियर में हमारे पास कौन से आ रहे हैं अभी तक. ए लीनियर में आया, बी भी आया, सी भी आया है, डी नहीं आया. लेट अस टॉक अबाउट ई. नो जल्दी नहीं करनी है हमें. जब भी आपको डिग्री देखनी है आपका पॉलिनोमियल सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए. क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, a+b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab. सो पॉलिनोमियल इज 2x + 1, इज इट अ लीनियर पॉलिनोमियल और नॉट. तो यस इसीलिए बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी मुझे. डिग्री देखते हुए मैं फिर से बात करती हूँ, लीनियर बनाने के लिए डिग्री 1 चाहिए, और डिग्री देखने के लिए आपको वेरिएबल की पावर देखनी है, कॉन्स्टेंट्स की पावर पर नहीं जाना. सो द ओनली पॉलिनोमियल विच इज नॉट लीनियर इज -3x², रेस्ट ऑल आर लीनियर पॉलिनोमियल्स. ठीक है जी, अगला देखते हैं. अगले क्वेश्चन में फिर से डिग्री पूछी गई है, लेकिन अब ये एक वेरिएबल में नहीं है, ये 2 वेरिएबल में आपका एक्सप्रेशन है. एक्स भी आ गया है और वाई भी आ गया है. ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं एक बार वो देख लो. इस टर्म को देखूं तो हाईएस्ट पावर 2, इसको देखूं तो हाईएस्ट पावर 2, लेकिन यहां पर 2 वेरिएबल हैं तो डिग्री के लिए एक्स की पावर एंड वाई की पावर दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा. सो इस टर्म में जो हाईएस्ट पावर है दैट विल बी टेकन एज 4.
अगर एक से ज्यादा वेरिएबल एक ही टर्म में पड़े हों तो उन सब की पावर्स को, उन सब की एक्सपोनेंट्स को ऐड करके फिर आप डिग्री पर जाएंगे, तो यहां पर जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 4, क्योंकि इस टर्म में हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन यहां पर अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो 4 बन जाता है. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. कंसिडर दिस पॉलिनोमियल, देन वैल्यू ऑफ पी ऑफ -√2. अगर आपको अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालनी हो, सपोज जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था x² -3x+2, और पी ऑफ 1 की वैल्यू निकालने का मतलब x की जगह 1 डाल दिया था, ठीक है जी. तो अब यहां पर क्या चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए पी ऑफ -√2. इसका मतलब जो मेरे पास पी ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन है 2√2x² -8x³, इसमें x की जगह क्या डाल दूंगी मैं, व्हाट शुड आई पुट इन प्लेस ऑफ x, √2. ध्यान से करना, यहां पर x को -√2 डाला, यहां पर -√2 का स्क्वायर हो गया, यहां -√2 का क्यूब हो गया. पिछले ही चैप्टर में नंबर सिस्टम में आप इरेशनल नंबर्स की स्क्वायरिंग क्यूबिंग के बारे में पढ़ करके आए हो, सो जरा ध्यान से कैलकुलेशन करना और मुझे आंसर बताओ जल्दी से. +20√2 3+20√2, बिल्कुल ठीक है जी. 3+20√2, जरा ध्यान से देखते जाएंगे, ये माइनस और माइनस पहले हो गया प्लस. √2 × √2, सारे बोलेंगे व्हाट इज √2 × √2, टू 2. √2 × √2 इज सेम एज अंडर रूट के अंदर 2 × 2, 2² पावर 1/2, सो आंसर ट्रू. अब -√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √2 स्क्वायर करने से टू टू, माइनस स्क्वायर करके प्लस बन गया, और √2 × √2 अभी हमने देखा 2 हो जाता है, 2 और ये एक 2 ये पड़ा है, तो 2 × 2 = 4, और ये √2 ऐसे ही रहेगा साथ में. अब -√2 का क्यूब करेंगे तो पहली बात आंसर तो जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड करो तो नेगेटिव आ जाता है. और अब √2 × √2 × √2 करना है, क्या बनेगा, हम 2√2 √2 × √2 × √2. हमें मालूम है √2 × √2 2 होता है, और साथ में ये √2 पड़ा है, ये माइनस और ये माइनस मिल करके बना देगा प्लस, ये 2 इस 8 से मल्टीप्लाई हुआ 16√2, सो आंसर इज 3+20√2. दोबारा देख लो, ये माइनस और माइनस प्लस, √2 × √2 2 है, स्क्वायर करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ √2, -√2 का क्यूब कर रहे हो तो -2√2 आ रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, सो 16√2. इन दोनों का इरेशनल पार्ट सेम ऐड हो जाएंगे, 16 + 4 = 20, 2 + 1 = 3, सो 3+20√2. सो आंसर फॉर थर्ड एमसीक्यू इज डी पार्ट. नेक्स्ट है पी ऑफ एक्स इज x+3, और आपको कहा गया वैल्यू बताओ पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ -2x. बच्चों जब हम यहां पर कह रहे थे पी ऑफ 1 निकालो तो एक्स की जगह 1 डाल दिया हमने, अगर हम कहें पी ऑफ 3 निकालो तो एक्स को 3 डाल देते हैं. अब मुझे कहा जा रहा है पी ऑफ -2x निकालो, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्स की जगह -2x की वैल्यू जहां पर x पड़ा है अगर p ऑफ 1 मैं बोलती हूं तो x को 1 डाल देते हो, अगर मैंने यहाँ x को -2x से रिप्लेस किया तो यहां पर भी -2x डाल देते. अब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, देख लेते हैं x+3 -2x+3 तो क्या बन जाएगा, ये -x प्लस 6
इसका मतलब जब हमें किसी वेरिएबल में वैल्यू हम कांस्टेंट डाल करके भी निकाल सकते हैं, उस वेरिएबल की रिप्लेसमेंट किसी दूसरे वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। करना वही है, कॉन्सेप्ट वही है। पी ऑफ वन का मतलब था एक्स को वन डाल दो, पी ऑफ माइनस टू का मतलब है जहां जहां एक्स है उसको -2x कर दो। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू आर सपोज टू डू। अगला बताओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर बायनोमियल? व्हाट डू यू मीन बाय बायनोमियल? टू टू टर्म्स टर्म्स, बट टू अनलाइक टर्म्स। आई होप यू रिमेम्बर व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स। पहला एक्सप्रेशन है एक्स पावर 10 प्लस 5, इज इट अ बाइनोमियल? यस यस। इसमें दो तरीके की टर्म्स हैं, एक एक्स पावर 10 आ गया, दूसरा कांस्टेंट। टू अनलाइक टर्म्स आर देयर, सो ये है आपका बाइनोमियल। आगे बोलिए जी, बी पार्ट, इज इट अ बाइनोमियल? ये बाइनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें √2 + √3 इज अ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट विल बी टेकन एज वन टर्म ओनली, और साथ में एक्स पावर 100 है। सो ये आपका अगेन दिस इज अ बाइनोमियल, नॉट अ ट्राइनोमियल। दिखने में तीन टर्म्स दिख रही हैं, बट अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं x + 2 + 3, ये दो टर्म्स कंबाइन हो सकती हैं। सो दिस इज अ बाइनोमियल, नॉट अ ट्राइनोमियल। सी पार्ट, ये भी बायनॉमियल है क्योंकि y² + y - √2y, लास्ट वाली दो टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, इकट्ठी की जा सकती हैं। लिखा जा सकता है इसको y² + 1 - √2 × y, सो दिस इज अ बायनॉमियल। लास्ट वन इज ऑल्सो अ बायनॉमियल, z⁴ - 1, ये भी आपका बायनॉमियल है। ठीक है जी, अब चलते हैं असर्शन रीजन पर, जल्दी जल्दी कर लेते हैं जरा। The constant polynomial is p of x is equal to 0 is called zero polynomial. Is it okay? यस Yes. अभी हम करके हटे हैं, p of x is equal to 0 को एक नया नाम दे दिया है हमने, जीरो पॉलिनॉमियल का। √x + 3 इज अ पॉलिनॉमियल? नो नो, क्योंकि x की पावर, पहला आपका ट्रू है कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल p of x is equal to 0 को जीरो पॉलिनॉमियल बोला, ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ x की पावर 1/2 आ गई, और अभी अभी हमने बात की थी जी, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर x की पावर फ्रैक्शन में चली जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। सो आंसर बन गया सी, पहले असर्शन रीजन का। सेकंड, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। हाँ जी, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। देखो अभी पीछे हमने किया था डिग्री एंड जीरो, कॉन्स्टेंट जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है क्योंकि एक्स पावर 0 भी कर सकते थे, एक्स पावर 10 भी कर सकते थे, एक्स पावर 100 भी कर सकते थे। तो जो असर्शन है वो ट्रू है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज कॉफिशिएंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। हर टर्म जो है कॉफिशिएंट की, उस हर टर्म में कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट होता है। सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x² - 2x, इस टर्म का कोफिशिएंट 1 है, इस टर्म का कोफिशिएंट -2 है। सो रीजन इज ऑल्सो ट्रू लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आंसर विल बी बी। थर्ड, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। बोलिए जी, क्या किसी पॉलिनोमियल की एक से ज्यादा जीरो हो सकती है? हमने किया डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है जीरो, क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज होंगी, क्यूबिक है तो तीन जीरोज होंगी, लीनियर है तो एक होगी, कांस्टेंट है तो कुछ भी नहीं होगी। ठीक है जी, सो अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, सो असर्शन है ट्रू। अब रीजन पर चलते हैं, एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। क्या जीरो पॉलिनोमियल के लिए सारे के सारे रियल नंबर जीरो होते हैं? हमने कहा जीरो पॉलिनोमियल का मतलब p of x is equal to 0, x को 1 डालूं तो भी आउटपुट 0,
10 डालूं तो भी जीरो, 12 डालूं तो भी जीरो, इसका मतलब ये सारी क्या है, इसकी जीरोज। सो ऑल द रियल नंबर्स आर जीरोज ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे एक दूसरे को, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैंने कहा डिग्री निकालने से पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना इम्पोर्टेंट। मेरे पास है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, तो पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या बन रहा है। पहले दो को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस फोर। यहां पर अब आपको सारा पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तीन तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर कि जब हम यहां देखेंगे तो हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब आएगी, बाकी आगे चलते जाओ तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 24, हाईएस्ट पावर तीन ही आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, तीन हुई कि चार हुई? डिग्री इज थ्री एंड नॉट फोर, सो चौथे में मेरा आंसर, चौथे असर्शन रीजन में असर्शन हो गया फॉल्स, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की डिग्री तीन है, चार नहीं है। बच्चों बस एक सेकेंड, असर्शन रीजन कंप्लीट कर लें। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यस, ये बात हम कर चुके हैं, जितनी डिग्री की जीरोज हो सकती हैं। सो रीजन है ट्रू और आंसर है डी। ठीक है जी, सो एमसीक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है जी बच्चों, एक बार उसको देख के आना, अगली क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करें। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, ओके जी, बाय बाय।